पाजी ये 7th हम अवार्ड कॉन्ट्रैक्ट है, इसका मतलब है मैं आ रहा हूँ ह्यूस्टन ऑन सैटरडे 5th अक्टूबर एट NRG अरीना। आपसे मुलाकात होगी, बुक योर टिकट्स ऑनलाइन राइट नाउ। आपने हमारा बहुत साथ दिया, आपका शुक्रिया अदा करने के लिए मेरे पास अल्फाज ही नहीं है। आपकी मोहब्बत, आपका खलूस हर अल्फाज से बढ़कर। थैंक यू सो मच। शायद सरकार वो लड़कियां भाग गई हैं। भाग गई? क्या बकवास कर रहे हो? ऐसे कैसे भाग गई वो? सदके चलो। बचपन में हम खेलते हुए कुछ गाते थे, 1 2 10, 10 पे आई बस, बस में बैठी चिड़िया, चिड़िया के पास गुड़िया। फिर एक शेर आया, सबके सामने गुर्राया। चिड़िया की फिर शामत, शेर ने अपनी भूख। भला आज हमें माफ कर दो, बहुत बड़ी गलती हो गई है। मुझे अब एहसास हो रहा है हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं तुमसे माफी मांगती हूँ, देखो मैं तुमसे हाथ जोड़ के माफी मांग रही हूँ। मिनट सॉरी बोलो, माफी मांगो, बहुत बड़ी गलती हो गई है हमसे। सॉरी भला, मिनट माफी मांगो। तुम्हें क्या लगा, डर गई मैं? तुम्हारे हाथ में यही बेहतर है कि हमें जाने दो, वरना मैं चलानी आती है क्या? चला चला ना। चले चलो। कहाँ चली गई और कहाँ चली गई? यहां क्यों लेके आयो? हवेली क्यों नहीं लेके गए? यहां लाने का मकसद क्या है तुम्हारा? तुम्हें तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब नहीं मिलेगा, तो बेहतर होगा कि अपना मुंह बंद रखो, वरना वो हशर करूंगा कि जिंदगी भर याद रखोगी। बला जी, तुम मेरी बात सुनो, हमें प्लीज बला जी ऐसे जाने दो, किसी को नहीं बताएंगे, हम वादा करते हैं हम किसी को नहीं बताएंगे, प्लीज जाने दो प्लीज। तुम्हारी इस हालत की जिम्मेदार तुम्हारी ये बहन है,
मैं क्या करता जो तुम्हें अपने साथ साथ इस मौत के मुंह में ले आया। ऐसा ही है ना, सुनो मैं माफी मांगती हूँ, मैं इसकी तरफ से माफी मांगती हूँ, मैं माफी मांग रही हूँ ना, हम किसी को नहीं बताएंगे, प्लीज जाने दो, बस कर दो। मैंने तुम्हें कैसे शख्स से रहम की उम्मीद रख रही हो जिसमें कोई खौफ खुदा है ही नहीं? ऐसे शख्स से क्या उम्मीद रखनी? एक बात याद रखना मलिक बल्लाज, जब जुल्म हद से ज्यादा बढ़ जाता है ना तो वो मिट जाते हैं। एक दिन तुम और तुम्हारी मलिक सरकार दोनों अपने जुल्म के साथ खत्म हो जाओगे। यकीन नहीं आता इस घटिया में। फोन उठाओ गुड़िया, कहाँ चली गई यार? निकलने का कोई रास्ता नहीं है। मैंने मुझे मुझे समझ में नहीं आ रहा बलाज हमें यहाँ क्यों लेके आए। आप ही मुझे डर लग रहा है, पता नहीं क्या करने वाले हैं हमारे साथ, वो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो क्या करेंगे आप ही? नहीं 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 तुम अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह हमारी मदद भेजेगा। तुम देख लो, मुझे यकीन है, मुझे यकीन है। तुझे छोड़ के कहाँ चली गई है? तुम्हारा फोन भी ऑफ, आ जाओ वापस। तुम्हारी बेटी की शादी बालाज से ही होगी, उसकी रजामंदी से, या मुझे जबरदस्ती करना पड़े। अपनी बेटियों का दुख नहीं नजर आ रहा आपको? इसलिए कह रहा हूँ कि बालाज से शादी कर लो ताकि सारी परेशानियां खत्म हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमें घर जाने बस। मलिक वजाहत, अब भी वक्त है। मेरे 20 साल पुराने जख्मों पर नमक छिड़कोगे तो नुकसान तुम्हारा ही होगा। बताओ कहां पकवाया तुमने अपनी बेटियों को? मलिक सरकार, आपने जवाब नहीं दिया, आप कुछ तो सोचे अपनी बेटी के बारे में। मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता हूं, तुम जाओ यहां से। गुलामुद्दीन मालिक, वो बालाज सरकार आ गए। मगर वो, मैंने कहा ना जाओ यहां से, जाओ, चली जाओ। ताया सरकार, वो लड़कियां मिल गई, पीछे बंद किया,
अब आप हुक्म करें क्या करना। हवेली में किसी को नहीं पता चलना चाहिए कि वो लड़कियां मिल गई हैं। जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। बालाज, बालाज कहाँ है मेरी बेटियां, कुछ पता चला उनका? बालाज ने पूरा जान छान मारा, तुम्हारी बेटियां कहीं नहीं मिली। तुम्हें जो कहा है वैसा करो, जाओ। तुम भी जाओ। मेरा बस चलता तो तुम्हारे साथ वो सलूक करता जो तुम जिंदगी भर नहीं भूल पाते। अभी तुमने बुरा देखा ही कहता है। हमने तुम्हारा क्या बिगाड़े भला? मेरे बाप दादा की इज्जत को अपनी पांव के जूते समझ लिया और मुझसे पूछ चुके बिगाड़ा क्या है? तुम जानती हो ना, जख्मी शेर और भी खूंखार हो जाता है। सही कहा तुमने, तुम हो ये जानवर। काजी आ गया। काजी, किसकी शादी हुई? क्यों बुलाया तुमने काजी को? काजी क्यों आया है? अच्छा सवाल, क्योंकि तुम्हारी बहन का निकाह होने वाला है मलिक बालाज से अभी और इसी वक्त। अभी मलिक बालाज के साथ? ऐसा नहीं हो सकता, ये निकाह हो ही नहीं सकता। मैं मानती ही नहीं हूँ इस निकाह को, ऐसे जबरदस्ती निकाह नहीं होते। तुम जाकर भी कुछ नहीं कर सकते, और अगर मैं चाहूं तो बहुत कुछ कर सकता हूं, लेकिन ताया सरकार एहसान मानो उनका कि तुम्हारे साथ नरमी का बर्ताव हो रहा है। मैं तुम्हारे साथ सिर्फ निकाह कर रहा हूं अभी। ये क्या कर रहे हो तुम? बंदूक नीचे कर, प्लीज बंदूक नीचे रख, अभी रहने नीचे कर। नहीं अबे मेरे बहन का देखो कि तुम, प्लीज खुदा का वास्ते भाई का चक्की है, ठीक है बंद नीचे कर। अभी नहीं, अरे क्या नहीं भला, मुझे माफ कर दो। We'll be right back.
I'm sorry. रुक जाए मलिक साहब, ये गुनाह है और मैं ये निकाह नहीं पढ़ा सकता। ओए, तेरी इतनी जुरत, तू मलिक साहब के सामने बात करे, लगता है तुझे अपनी जान से प्यार नहीं है। तेरा तो मैं काम यही तमाम कर दूंगा। बस बस बहुत हो गया। जो करना चाहते हो वही होगा। अभी नहीं, मैं तुमसे निकाह करूंगी। नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, प्लीज नहीं, अब नहीं करेंगे। अभी मैं करूंगी तुमसे निकाह। मेरी बहन को कुछ मत करना, प्लीज प्लीज, बस मैंने। चलें काजी साहब, आ जाएं। सारी दुनिया के लिए तुम्हारा दिल है, पता नहीं क्यों मेरे लिए पत्थर दिल की हो जाते। तुम क्यों हंस रहे हो? छोड़ बस तू। मेरे लिए मोहब्बत से बढ़कर इज्जत है। मेरे लिए तुम मेरी हर खुशी से बढ़कर हो। मेरे हानिया जानिया जानिया, क्या तुम मैं बलात् से शादी कर लूं? तुम खुश रह रहा, मैं नहीं रहना चाहती। क्या करूं मैं दानिश, मुझे नहीं रहना। मैं किसी माँ से उसका बेटा नहीं छीन सकती। इस गुनाह के साथ मैं नहीं जी सकती। तुम्हें मुझ जैसी हजारों लड़कियां मिल जाएंगी, लेकिन तुम्हें तुम्हारी माँ दोबारा नहीं मिलेगी। कहाँ हो उरिया?
तुम्हारा फोन क्यों बंद जा रहा है? फोन उठाओ यार। प्रिया अपनी चीज और अपने तवज्जो मांगते हैं। ज्यादा तवज्जो देने से बिगड़ जाने का खतरा होता है। जिससे मोहब्बत की जाती है उसे अपनी जात से फायदा पहुंचाया जाता है, नुकसान नहीं। वापस आ जाओ, तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। आ जाओ यार। मिनल, मिनल क्या हुआ, कहाँ चले गए थे आप? तो है ना, आप रो क्यों रहे हो? पुरिया कहाँ बेटा? मेरे लिए खुद को खत्म कर लिया आपने, क्यों किया आपने? ने कहा मर जाने दिया होता मुझे क्या हो जाता, ज्यादा से ज्यादा कुछ नहीं होता। आपने क्या कर दिया है उन्हें यहाँ पे? नहीं करना चाहिए था ये, मैं कभी माफ नहीं कर पाऊंगी, नहीं माफ कर पाऊंगी। दानिश मेरी मोहब्बत है, तुम मेरी जिंदगी हो। अपनी मोहब्बत के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान नहीं कर सकती, नहीं। तुम्हें कुछ हो जाता तो अम्मी को क्या जवाब देती मैं? मेरी छोटी बहन का ख्याल नहीं रख सकी मैं। मैंने तुम्हें नहीं खुद को बचाया, तुम्हें कुछ हो जाता अम्मी के बाद मैं तुम्हें नहीं खो सकती। इतना हौसला नहीं है मुझ में। मेरी जान हो, मेरी छोटी बहन हो।
मैंने मना किया था ना तुम दोनों को कहीं रुकना नहीं, फिर किसने देखा तुम दोनों को? बालाज को कैसे पता चला? हमारी किस्मत में ही नहीं था यहाँ से निकलना, इतनी मुश्किलों से आपने हमें यहाँ से निकाले और हम लोग फिर वापस से दरिया के सब बर्बाद हो गया, सब खत्म हो गया। नहीं नहीं ऐसा मत कहो, मुझ पे भरोसा रखो, मैं वादा करती हूँ तुम दोनों से, मैं दोबारा कोशिश करूंगी तुम दोनों को यहाँ से निकालने की, परेशान मत हो। यहाँ की जंजीर मेरे पैरों में बंध चुकी है, कोई चाहकर भी मुझे इस कैद से नहीं निकाल सकता। क्या कह रही हो तुम? क्या क्या मतलब, हुआ क्या है? अरे कुछ बोलो तो, हुआ क्या है? और यहाँ पे का निकाह हो गया है बलात्स। जोड़े को यहां रख दो और तुम जाओ। जो होना था वो तो अब हो गया, गुजरे हुए वक्त को बदला तो नहीं जा सकता। अब इसे तुम अपनी किस्मत समझो या बदकिस्मती, बलाज के साथ अब तुम्हारी शादी हो चुकी है और तुम बलाज की दुल्हन हो। क्या समझती हैं आप? मैं इस रिश्ते को इतनी आसानी से कबूल कर लूंगी? बलाज ने मुझसे शादी जबरदस्ती की है, मेरे ना चाहते हुए, मेरी मर्जी के खिलाफ। देखो लड़की, मैंने अभी तुमसे कहा है ना कि जो कुछ होना था वो हो गया है, और जहां तक जबरदस्ती की बात है, ये मौका तो तुमने उसे खुद दिया था। निकाह वाले दिन भाग गई थी ना, तो ऐसा तो होना ही था। सब कुछ भूल जाओ, समझी लड़की? तुम्हारी शादी हो चुकी है बलाज के साथ और अब वो तुम्हारा शौहर है। कपड़े इसे पहन लेना और जितनी जल्दी हमारे रस्म और रिवाज को समझ लो, इसमें तुम्हारा ही फायदा है। तुम समझ रही हो ना मैं क्या बात कर रही हूं? सुनो, ये तुम दोनों वहां से भागी कैसे थी? खामोश क्यों? जवाब दो मुझे। किसी ने तो तुम्हारी मदद जरूर की होगी, है ना? खैर कोई बात नहीं, जिसने भी तुम्हारी मदद की थी ना, वो मुझसे बच नहीं सकता। तो फिर मुझसे क्यों पूछ रही हैं आप? जाके खुद ही पता करवा लें, पता करवाएं किसने मदद की थी हमारी इस जहन्नुम से निकलने में। शह दे रही हो मुझे? जानती नहीं हो मैं कौन हूं? बीबी जान हूं मैं। जो मर्जी समझ ले आप।
दानिश किसे फोन कर रहे थे तुम? तुम्हें यकीन क्यों नहीं आता कि हुरिया तुम्हें छोड़ के जा चुकी है? धोखा दिया है उसने तुम्हें। ऐसा नहीं हो सकता। मैं कितनी बार आपसे कहूं, एक बार कहूं, दो बार कहूं, हजार बार कहूं कि ये सब कुछ छोड़े, आप क्यों उस बेचारी के बारे में ऐसी बातें करती? अच्छा ठीक है, उसने तुम्हें धोखा नहीं दिया, कम अज कम तुम्हें फोन तो करती एक मरतबा, बात करती, कुछ कहती। उसके लिए इतना परेशान हो रहे हो तुम, अपनी हालत देखिए, उसके गम में मजनू बन गए हो तुम, घर से बाहर नहीं निकलते, सारा सारा दिन कमरे में पड़े रहते हो, आखिर कब तक ऐसा चलेगा? देखो दानिश, उसे तुम्हारी ये हालत नहीं देखी जाती है बेटा, भूल जाओ उस लड़की को, उस बेवफा की वजह से अपने आप को अजीत क्यों दे रहे हो? देखो दानिश, अपनी माँ की खातिर अपना ख्याल रखो बेटा, चल तुम चेंज कर लो, मैं कपड़े निकाल देती हूँ तुम्हारे लिए, फ्रेश हो जाओ। मैं हुरिया को नहीं भूल सकता। तो फिर क्या करोगे तुम, इसी तरह दुख देते रहोगे अपनी माँ को? नहीं अम्मी, लेकिन मैं हुरिया को ढूंढने जाऊंगा, मैं खुद हुरिया को ढूंढूंगा। दानिश लड़का तो सिर्फ एक इश्क में, यादों के साथ।